चलिए हम आपको लेकर चलते हैं दिखाने के लिए गोकुल अष्टमी के बाद दही हांडी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। हम आपको लेकर चल रहे हैं मानसरोवर, यहाँ पर मैगी, गोविंदा पथक, मानसरोवर और सुभाष नगर इस तरीके का एक नाम दे करके वहाँ पर गोविंदा पथक को निकाला गया, जिसका नेतृत्व मांगीलाल पालीवाल कर रहे थे। हम आपको दृश्य दर्शा रहे हैं जब वो अपने पूरी टोली के साथ दही हांडी के लिए निकले, उस समय का दृश्य दर्शाने के लिए। खास गोविंदा पथक का पहला साल है और ऐसे में जिस तरीके का ये इनका नियोजन है, सचमुच में ये कह सकते हैं कि गोविंदा पथकों का यह प्रचलन जो करने की एक कोशिश मांगीलाल पालीवाल की है, सचमुच में काबिले तारीफ। इसी में हम आपको आगे की कड़ी दिखा रहे हैं जब वहाँ पर गोविंदा पथक मैगी, गोविंदा पथक अपनी जट्ठा लेकर निकली तो मांगीलाल पालीवाल जो कि इसके संयोजक हैं, उनको किस तरीके से लोगों ने अपने कंधे पर उठा करके पूरा मानसरोवर घुमाया, सचमुच में कह सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर गोविंदा पथक मांगीलाल पालीवाल से प्रेम करते हैं, ये चीज़ आपको स्पष्ट सामने दिख रहा है कि वो जल लगाए और जिस तरीके से इस त्यौहार को प्रचलित कर रहे हैं मैगी और ख़ास करके मांगीलाल पालीवाल, सचमुच में काबिले तारीफ है। जन्माष्टमी का त्यौहार, दूसरे दिन गोविंदा पक्षों का शहरों में घूमने, इस तरीके से यहाँ मानसरोवर में तैयारी है। हमारे साथ मांगीलाल पालीवाल जी है और उनसे चर्चा करेंगे। सर क्या कहेंगे सबसे पहले जन्माष्टमी को लेकर और इस त्यौहार को लेकर? सबसे पहले तो मैं और मेरे परिवार की तरफ से, मेरे पार्टी की तरफ से सारे भिवंडी वासियों को कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देता हूं। और यहां पर हमारा पहला साल है, हमने यहां पर पहली बार पतंग निकाला है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे तरह से रूल्स रेगुलेशन पूरी प्रशासन को ध्यान में रखते हुए जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाए गए उनके माध्यम से हम पूरा फॉलो करेंगे। और यहाँ पर जितने भी हमने बच्चे आए उनकी पूरा सुरक्षा का ध्यान रखा गया है। हमने यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी के जरिए एक एक बच्चे का 10-10 लाख का बीमा कराया गया है और हम कोशिश करते हैं कि सब बच्चे इंजॉय करेंगे। भिवंडी वासी आज इस त्यौहार का बहुत अच्छी तरह से इंजॉय करेंगे। सर एक प्रश्न और करूँगा, गोविंदा पथकों को जब आप लेकर निकलेंगे तो भिवंडी शहर भिवंडी शहर की जो मतलब गर्मी का जो हाल है और आज जो त्यौहार को मद्देनजर रखते हुए मैं उसको कुछ बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि आज हम उसका भी इंजॉय लेंगे। और खड्डों का ये मैगी भाई आगे बढ़ो, इस तरीके से गोविंदा पथकों का एक टोली जत्था रवाना होगा पूरे शहर में। पर शहर की सड़कें क्या बया करेंगी ये महानगर पालिका को सोचने की बात होगी। बहरहाल आप सभी को गोकुल जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। जो भी अपडेट्स होते होंगे हम आपको दिखाने का प्रयत्न करेंगे।